हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी की रसोई एंड ब्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं आटे की टेस्टी टेस्टी कचौड़ी, जो कि बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, और घर के सामान से बनकर ही तैयार हो जाती है। और जो भी खाता है ना फ्रेंड्स, वो आपके ही गुनगाएगा और पूछेगा कि आपने कैसे बनाई, क्योंकि मैंने जिसको ये कचौड़ियाँ खिलाई है ना, उसको बहुत पसंद आई है और वो दूसरी बार खाने के लिए उसने ज़रूर बोला है। तो चलिए बना लेते हैं यार, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने ले लिया गेहूँ का आटा 2 कटोरी फ्रेंड्स, और अब हमने ले लिया है 1 छोटी कटोरी से मैदा, और 1 कटोरी ले लिया है फ्रेंड्स हमने सूजी, और थोड़ी सी डाला है हमने इसमें कसूरी मेथी 1/2 कटोरी, और 1 चम्मच सौंफ डाला है फ्रेंड्स, 1 चम्मच रेड चिली या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच डाला है हमने इसमें गरम मसाला छोटे चम्मच से फ्रेंड्स, और 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, जैसा भी आप खाते हो कम ज़्यादा, और 1 चम्मच हींग डालना फ्रेंड्स, बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें बस हमने डाला है 2 चम्मच ऑयल छोटे चम्मच से फ्रेंड्स, बस इस 2 चम्मच से ही ना हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनने वाली हैं। और क्योंकि हम डालने वाले हैं इसमें 1 कटोरी दही, फ्रेश दही मैंने यूज किया है बिल्कुल, अगर खट्टा है तो आप 2 चम्मच ही डालें। इस दही से ना बहुत ही अच्छा खमीर उठेगा और इससे बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं फ्रेंड्स। और डाल लिया है, और 1 कटोरी हमने डाल लिया है धनिया की पत्तियाँ, और इन सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, तो सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे अच्छे से मिक्स करने में, और इसके बाद हमें आटे को गूंथ लेना है फ्रेंड्स। इसका अच्छा सा डो तैयार करना है, ना बहुत टाइट और ना ही बहुत सॉफ्ट, मीडियम हमें तैयार करना है, क्योंकि इसमें सूजी भी पड़ी है ना, तो ज़्यादा टाइट तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी ये सूजी फूलेगी भी ना इसीलिए। और हमें डो को लगा करके कम से कम 1/2 घंटे, मैक्सिमम आप 1 घंटे रख देंगे तो और भी टेस्टी आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी। और आटा लगाने के बाद उसमें हमने डाल लिया 1 चम्मच ऑयल ऊपर से, और इसको बस थोड़ा सा मसल करके अभी हम रख देंगे फ्रेंड्स। याद रखिएगा, जब भी आप आटा गूंथें तो आपको बहुत ज़्यादा मसलना है, तभी आपका आटा बहुत अच्छा बनेगा और आपकी कचौड़ियाँ भी उतनी ही अच्छी बनेंगी। और इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे फ्रेंड्स 1/2 घंटे के लिए कम से कम, अगर 1 घंटे के लिए रख देंगे तो और भी अच्छी बात है फ्रेंड्स। हमारा डो रेडी हो चुका है, इसे हम ढक करके रेस्ट के लिए रख देते हैं। और कचौड़ियों के लिए अब हम बना लेते हैं टेस्टी सी सब्जी आलू बैंगन की। इसके लिए हमने कढ़ाई में डाल लिया है तेल 2 चम्मच छोटे चम्मच से, और ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है, और थोड़ा सा उसमें डाला है लहसुन थोड़ा सा नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारा डाला है, क्योंकि बैंगन है और ये नुकसान भी करते हैं, बादी भी होते हैं ना, तो जिसको भी बादी करते हैं वो लहसुन इतना ही सारा डाले, मैंने 1 पूरी पोथी डाल दिया है, इससे ना फ्रेंड्स टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और बैंगन एक भी नुकसान भी नहीं करते। आप चाहें तो मेथी भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी नुकसान नहीं करते हैं बैंगन। और आलू डाल दिए फ्रेंड्स, आलू का वीडियो शायद स्किप हो गया है ना, तो अब इसके बाद हमने बैंगन डाल दिया है, और इसको अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स ऑयल में ही, कम से कम हमें इसे 5 मिनट तक चलाना है, तभी हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और अब डाल दिया है थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर करके, और हमने इसमें प्याज नहीं डाला है फ्रेंड्स, ऐसे ही ये सब्जी बहुत टेस्टी बनने वाली है। और हमें इसे भी अच्छे से अदरक को भी मिक्स कर देना है इसमें, और अब डाल लेना है स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक के बिना तो कोई स्वाद ही नहीं आता सब्जी में, और सब्जियां भी जल्दी से पक जाती है नमक डालने से। और अब इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच डाला है हमने लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो ना डालें फ्रेंड्स, आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच डाला है किचन किंग मसाला, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देने वाला है फ्रेंड्स। और इन सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मसाले के साथ इसको 5 मिनट तक रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पर। और काली मिर्च का वीडियो भी स्किप हो गया, थोड़ी सी आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, तो इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बैंगन एक भी नुकसान नहीं करेंगे और अब हम डालेंगे इसमें हरी धनिया काट करके, ये हमने साइड साइड में सब्जी कर दी है, क्योंकि हमें धनिया को भी थोड़ा सा पकाना है इसीलिए साथ में, इसलिए बीच में हमने धनिया डाल दिया है। हमने 1 कटोरी धनिया काट करके रखा है फ्रेंड्स, जिसमें से 1/2 हमने डाला है और 1/2 बचा लिया है अभी बाद में गार्निश करने के लिए। और इन सबको हमें कर देना है मिक्स बहुत अच्छे से, और ढक करके पका लेना है स्लो फ्लेम पर। 10 मिनट में ही हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी फटाफट, ना इसमें प्याज डला है तो टाइम लगता नहीं है, फटाफट से पक जाएगी, और ना प्याज काटने का टाइम लगा और ना कुछ, और ऐसे ही देखिए कितनी अच्छी सब्जी देखने में लग रही है। और ऊपर से बस गार्निश कर देते हैं धनिए से, और हमारी सब्जी बन करके हो गई है तैयार। तो चलिए, कम ग्रेडियंट्स में फटाफट बनने वाली सब्जी है ये, देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना देखने में, मुँह में आ रहा है ना पानी,
तो बना लीजिए फ्रेंड्स, वाकई बहुत टेस्टी लगती है बिना प्याज के भी ये, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इन कचौड़ियों के साथ तो मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स इन सब्जी में। तो और तो हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, ये देखिए इधर हमारा डो भी तैयार हो चुका है आटे का, तो अब हम इसकी कचौड़ियाँ बना लेते हैं फ्रेंड्स। और हमें अब आटे को अच्छे से मसल लेना है, क्योंकि रखा हुआ है तो सूजी भी इसकी फूल गई होगी ना, तो हमें इसे अच्छे से मसलना है 2-3 मिनट। और अब देखिए एक थोड़ा सा हमने आटा ले लिया है, लोई ले ली है आटे की और छोटी सी, और उसकी हमने बेल लिया है पूरी टाइप से, छोटी बड़ी आप कैसे भी बना सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। देखिए मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है ये डो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और मैं और भी कचौड़ी आपको बेल करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखने से पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स, एक बार आप बनाकर ज़रूर खाइएगा तभी आप बता पाएंगे कि ये कैसी हैं। और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ये देखिए मैं आपको तल के दिखा रही हूँ, क्योंकि जिसने भी ये कचौड़ियाँ खाई थी ना बोला है कि दोबारा भी खाना है हमें और उनको बहुत पसंद आई थी मेरे घर में जो गेस्ट आए थे। और देखिए कितने अच्छी फूल करके तैयार हुई हैं फ्रेंड्स, मैं आपको और भी सेक करके दिखाने वाली हूँ। सारी कचौड़ियाँ ऐसे ही गुब्बारे की तरह फूलती हैं, बस हमें जब कचौड़ी को डालना है तो याद रखना है कि बहुत ज़्यादा उसको छेड़खानी उससे नहीं करनी है, उसे फूलने देना है आसानी से। और फिर अगर वो ना फूले तो साइड साइड में आप झरिया से थोड़ी सा लगा सकते हैं उसको साइड साइड से, और फूल जाएगी हमारी कचौड़ी। बस ऐसे ही हमें अच्छे से सेक लेना है, बस हमें फ्लेम मीडियम नहीं हाई ही रखना है, बट अगर आप नहीं बेल पा रहे जल्दी जल्दी तो पहले बेल के रख लीजिए, पर मीडियम हमें मीडियम फ्लेम पर ये बहुत अच्छे से नहीं फूल पाएंगी, बस हमें हाई फ्लेम पर ही तैयार करना है। हमारी कचौड़ियाँ बन करके हो गई हैं तैयार और मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए हमने सब्जी को सर्व कर लिया है, सबसे पहले हम सब्जी सर्व करेंगे। एक बार ये कचौड़ी और सब्जियाँ आप ना ट्राई करें फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और इसके साथ मैंने सर्व किया है बूंदी का रायता, जो कि हमारे खाने में 4 चांद लगा देगा। और इस बूंदी का रायता मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दे दिया है, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज़ आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। और इसके साथ हम सर्व करेंगे सैलेड और सिरके वाली प्याज, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ इसकी फ्रेंड्स, मैं इसमें वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।